नमस्कार दोस्तों, मैं शमन साहब से मुखातिब हूँ। लाइव विद आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जेट्रोफा प्लांट के बारे में। दोस्तों ये जो पौधा आप देख रहे हो इसको जेट्रोफा प्लांट बोलते हैं और इंग्लिश में इसको फिजिक नट लेप्रस ट्री भी बोला जाता है। हिंदी में इसको पहाड़ी या जंगली अरंडी या दांती के नाम से बोला जाता है और इसको चाइना में मा फेंगशू के नाम से बोला जाता है और होम्योपैथी में जेट्रोफा को मदर पिंचर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये 6 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल दोनों किस्म के क्लाइमेट में पैदा हो जाता है। तो दोस्तों इसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं जैसे कि पान के पत्ते होते हैं और इसके बीज शुरू में ग्रीन और जब ये पक जाते हैं तो उसके बाद ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे जेट्रोफा के औषधि गुण के बारे में। अगर किसी को कहीं पर भी कोई चोट लग जाए तो उसको क्या करना है, जैसे ये जेट्रोफा का पत्ता है इसको आपको यहाँ से तोड़ना है और इसका ये जो दूध निकल रहा है जिसको हम दूध बोलते हैं, ये जो जेट्रोफा का रस है इसको अपने ज़ख्म पर लगाएं, बहुत जल्दी आपको जो घाव है वो ठीक हो जाएगा। दिन में 2-3 दफ़ा आप ज़रूर लगाएं। अगर आपका घाव बहुत गहरा है और बड़ा है तो आपको जेट्रोफा का ये जो रस निकलेगा इसको आप रुई के साथ भिगोकर और गाँव में लगाएं और वहां पर आप ड्रेसिंग कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपका गाँव बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जिनको स्कैबीज है, खारिश है, खारिश बहुत ही भयानक बीमारी है और दोस्तों खारिश के लिए ये बहुत ही अच्छा है। आपको क्या करना है, जेट्रोफा के ताज़े पत्तों को लेकर कुट कर इसका अच्छी तरह से पेस्ट बनाएं और जहाँ जहाँ पर आपको खारिश है वहाँ इसका रस मलें। दिन में 1-2 दफ़ा आप इसका रस जरूर मलें। दोस्तों बहुत जल्दी आपको खारिश से निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों ये एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी एलर्जिक है और दोस्तों ये ज़ख्म के लिए बहुत ही अच्छा है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये था आज का विषय। हमारा यूट्यूब चैनल लाइव विद आयुर्वेदा सब्सक्राइब करें। वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब हर छोटी बड़ी बीमारी का आसान और कारगर हल बताते हैं। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी रोज़ किसी और विषय पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।